डॉक्टर सुनीला ने हमें पहले दो एपिसोड्स में बताया गट हेल्थ एंड अबाउट एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन. आज का क्वेश्चन है डॉक्टर सुनीला कि पेशेंट्स का ज्यादातर पहली या दूसरी कीमो के बाद हीमोग्लोबिन काउंट कम होना शुरू हो जाता है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हमारा फोकस हर सेशन के बाद एक अपनी सीबीसी की रिपोर्ट पे जरूर होता है, तो इसीलिए जब हमारी कीमो सेशंस शुरू होते हैं उससे पहले ही मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप सुबह दिन की शुरुआत पालक के पानी से करिए और ऊपर से गुड़ या किशमिश जरूर खाएं. फिर उसके बाद वीट ग्रास जूस भी घर में बना के लिया जा सकता है, कुछ हाफ कप जितना. थर्ड इज कि हमें कुकिंग जो है अपनी आयरन वेजल्स में करनी चाहिए, उससे आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ती है. फोर्थ इज कि हमें कोई भी मील में, मतलब चाहे तीनों मील में हम अपने आटे में पालक मेथी जरूर डालें, चाहे कोई भी दाल सब्जी बनी हो, हमें मेथी की रोटी, पालक की रोटी या अपने चीले में पालक या मेथी काट के डालनी चाहिए. एक आंवला हमें जरूर लेना चाहिए, चाहे हम उसको छोंक लगा के राई कड़ी पत्ते हल्दी का ले लें, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द आयरन एब्जॉर्प्शन. वन कीनू और ऑरेंज आफ्टर योर लंच एट अराउंड 3 PM इज वेरी गुड फॉर बूस्टिंग अप आयरन एब्जॉर्प्शन. हमारे लोगों में ये आदत होती है कि हम खाने के बाद चाय पीते हैं या ग्रीन टी लेते हैं, उससे हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन कम होती है. तो अगर आपकी ऐसी कोई आदत है तो उसको 100% आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आयरन एब्जॉर्प्शन कभी नहीं बढ़ता है आपका. अनदर थिंग व्हाट वी हैव टू सी इज कि हमारे यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ साग मिलते हैं. सो हमें चलाई का साग है, ड्रम स्टिक्स को दाल में डाल के बनाना चाहिए. वी शुड व्हेनेवर वी कुक आवर दाल्स, हमें कोकम करके एक फ्रूट आता है विच इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, यू शुड स्टार्ट एडिंग इट इन योर दाल्स. और इमली के पानी सब्जियों में डालिए, ब्लैक चना सूप ले लीजिए. एंड वी ऑल्सो हैव टू सी दैट वी शुड नॉट हैव आयरन एंड कैल्शियम कॉम्बिनेशन लाइक पालक पनीर, बट वी शुड ऑलवेज एड दाल और न्यूट्रेला टू आर पालक की सब्जी सो दैट वी गेट गुड आयरन एब्जॉर्प्शन इन आर डाइट. और एक चीज और भी है कि जैसे हमें कभी कभी फ्रूट्स इतने नहीं खाए जाते हैं, देन वी कैन एक्चुअली हैव बीट रूट इन आर, लाइक यू मेक अ ब्लैक चना और यू मेक अ सैलड ऑफ ब्लैक चना एंड यू कैन एड बीट रूट बॉइल्ड इन टू इट, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर आयरन एब्जॉर्प्शन. डिफरेंट काइंड ऑफ चटनीज की आयरन से एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ती है, जैसे हम अपनी मिंट, मोरिंगा लीव्स, करी लीव्स, सेसमे सीड्स, ये सब चीजें डाल के जब हम चटनी बनाते हैं सो हमारी जो एब्जॉर्प्शन है आयरन की वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है. सो दिस आर द सिंपल स्मॉल वेज वेयर यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर आयरन एब्जॉर्प्शन. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन इज वॉट वी शुड यूज इन आवर डाइट्स इज रागी. सो कम से कम हफ्ते में 3 बार आप रागी का इस्तेमाल करिए. कभी आप ओट्स के साथ चीला बना लीजिए, कभी आप दाल मिला के, कभी आप डोसा या इडली या उत्पम बनाते हैं घर में तो उसमें आप रागी डाल दीजिए. सो दैट विल बी लाइक एन इंक्लूसिव मील जिसमें आपका गट भी हेल्दी रहेगा, आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन भी अच्छी रहेगी एंड इट्स अ वेरी टेस्टी मील विच कैन बी गिवन टू द होल ऑफ योर फैमिली. So that's the way you can improve your iron absorption.